क्या आप भी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस समय जबकि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तब आज के दिन में लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे अपना के आप अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं लेके आऊँगा आपके लिए ओनली इन दिस चैनल केमिस्ट्री मल्टीवर्स में। पहले हम जानेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं, और एग्जाम्स के दिन क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जिसको जान के आप अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी एग्जाम में देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम जानेंगे हमारी सबसे पहली चीज, एग्जाम्स के दिनों में पढ़ाई कैसे करें। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। तो आज के दिन और एग्जाम्स के दिन में बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हमने यहाँ पर दो तरह के टाइम टेबल रखे हैं, जिसमें से आपको जो भी अच्छा लगे तैयारी करने के लिए वो आप अपना टाइम टेबल रख सकते हैं। पहला टाइम टेबल जो है वो एक दिन का रूटीन है और दूसरा जो है वो दो दिन का रूटीन है। एक दिन का जो रूटीन है उसमें आपको 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे फिजिक्स और 4 घंटे बायोलॉजी की पढ़ाई करनी है, और इन समय में आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं। मतलब कि आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, आप थियरी सीख सकते हैं या आप एग्जाम्पल्स भी तैयार कर सकते हैं। तीनों को मिलाकर हमारे पास जो एक दिन का रूटीन है उसका समय होता है टोटल 10 घंटे। दो दिन का जो रूटीन है हमारा, उसमें हम पहले दिन 6 घंटे केमिस्ट्री और 4 घंटे फिजिक्स रखेंगे, और दूसरे दिन हम फिर से 2 घंटे फिजिक्स और 8 घंटे बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। और ये जो मैंने एनालिसिस यहाँ पर कहा है कि भाई 3 घंटे कैसे बढ़ सकते हैं लगातार, 4 घंटे कैसे बढ़ सकते हैं, 8 घंटे कैसे बढ़ सकते हैं, भाई इसमें आपको नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ाई करनी है। आप 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, बीच में आप 5 या 10 मिनट का रेस्ट ले लें या कहीं पर घूम के आए, थोड़ा टाइम पास कर ले, ऐसा करके 6 घंटे या 4 घंटे या 8 घंटे इस तरह से, ठीक है। तो 2 दिन का जो हमारा रूटीन है उसमें भी हम देखेंगे कि टोटल 20 घंटे हो गए। तो यहाँ पर 2 दिन का रूटीन भी 10-10 घंटे ही हुआ पर डे के हिसाब से। मतलब आपको हर दिन 10 घंटे की पढ़ाई करनी है बस, ना आपको 15 घंटे की पढ़ाई करनी है, ना आपको 16 घंटे की पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे की पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को कि आपको इस रूटीन को फॉलो करना है एग्जाम तक, आपको इस रूटीन को बनाए रखना है लगातार। तो ये रूटीन जो ब्रेक होता है उसके कारणों को भी हम देखेंगे कि किन किन वजहों से ये रूटीन हमारा टूटता है। तो अभी आप देखेंगे कि हर जगह मैरिज सेरेमनियां चल रही है हर किसी के फैमिली में, तो आप जब भी अपने रिलेटिव्स के वहाँ मैरिज में जाए, आपका एग्जाम आ रहा है, तो उसमें कम से कम अपना टाइम दीजिए, बाकी का टाइम आप पढ़ाई में दीजिए। वहाँ आप अपना कम टाइम लीजिए, आप जाइए लेकिन वहाँ आप कम समय अपना वेस्ट कीजिए। आप अपने किसी फ्रेंड के वहाँ पर बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे तो वहाँ पर भी आप ज़्यादा देर तक अपना टाइम पास मत कीजिए, अपना कम से कम समय वहाँ पर बिगाड़िए, ठीक है। आप जाइए लेकिन टाइम ज़्यादा मत बिगाड़िए। उसके बाद तीसरी मेन चीज़ ये है कि अगर आपका कोई दोस्त आपको खेलने के लिए बाहर बुला रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, हर किसी को क्या होता है कि रात को खाने के बाद बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, ये सब चीजें जो है वो आप कम कर दीजिए बाहर घूमने की। एग्जाम्स के दिनों में आप जाइए लेकिन 30 मिनट आप वहाँ पर अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं, माइंड रिफ्रेश करना जरूरी है, आपको बाहर जाना भी चाहिए, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा समय उसमें आप बिगाड़िए मत, ठीक है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप जितना चाहे उतना घूम सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स के दिनों में आपका पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, तो आप कम से कम अपना समय वेस्ट कीजिए। चौथी थिंग्स ये है
काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि चलो मैं पढ़ पढ़ के अब थक गया हूँ तो मैं गेम्स खेल लेता हूँ मोबाइल पे, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया में जाके किसी ऐप में जाके पूरा वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। एग्ज़ाम्स के दिनों में आप ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए, गेम्स खेलना और सोशल मीडिया का उपयोग करना। ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं वो भी सिर्फ 10-15 मिनट के, जो मोटिवेशनल वीडियो हो ऐसा आप देख सकते हैं, या फिर पावरफुल कोट्स जो होते हैं, सुविचार जो होते हैं वो सब आप देख सकते हो। उसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब भी आपको लगे कि आप पढ़ाई करके बोर हो चुके हैं तो आप थोड़ा टाइम ये जो कोट्स होते हैं, सुविचार होते हैं वो पढ़िए, ठीक है, 10-15 सुविचार आप पढ़िए अलग अलग व्यक्तियों के, आपके अंदर थोड़ा सा बूस्ट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कई सारे सॉन्ग्स हिंदी में या इंग्लिश में भी होते हैं, जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं उसको आप सुन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन और रूटीन को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, इट इज टू मच हार्ड। कई एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि ज्यादातर लोग जो फेल्स होते हैं उनका मेन फेल होने का रीजन यही होता है कि वो अपने डिसिप्लिन को तोड़ते हैं या अपने रूटीन को बदलते हैं, अपने रूटीन को अनुसरते नहीं है, वही लोग फेल होते हैं। अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो रूटीन को फॉलो जरूर करें, और आपका जो भी रूटीन हो उसको बस लगातार फॉलो करते रहें। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा ये है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो हमने डिवाइड किया था कि 3 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़िए, 3 घंटे फिजिक्स पढ़िए, तो उन 3 घंटों में आपको किस तरह से पढ़ना है वो आप देख लीजिए। कि जब भी आप कोई थियरी को पढ़ रहे होते हैं तो उस थियरी को पढ़ने के बाद उसको लिख दीजिए, अपने पास एक ब्लैंक पेपर रखिए, उसमें आप उसका 10% जो मेन पार्ट है वो लिख दीजिए, अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिख दीजिए, जिस तरह से आपको याद रहता है उस तरह से आप उसे लिख दीजिए। थियरी का जितना भी लेंथ होगा उससे 10% आना चाहिए, उसका 10%, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एग्जाम्पल्स जो कैलकुलेशंस होते हैं उसमें, कैलकुलेशन में ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट होता है उसका फॉर्मूला। जिस भी एग्जाम्पल में जो भी फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर दीजिए। मेन फॉर्मूला नोट डाउन करने के बाद अगर कोई एग्जाम्पल की जो कैलकुलेशन है वो बहुत मुश्किल है, टफ है, तो उस कैलकुलेशन की जो मेथड है उसको अपने शब्दों में कहीं पर नोट कर लीजिए कि ये चैप्टर की इस तरह की जो कैलकुलेशन थी वो ये यहाँ पर नोट कर दी, ठीक है। तो ऐसा करते करते आपके पास एक कंप्लीट मटेरियल अपने विषय का तैयार होगा, और ये मटेरियल बनाने का समय नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपका तैयारी भी होगा, साथ में आपके पास एक शॉर्टकट मटेरियल तैयार होगा जो आपके एग्जाम्स के पेपरों के दिन में पढ़ाई करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आपका जो एक चैप्टर का जो होगा ये मटेरियल जो आपने बनाया है वो कम से कम 2 पेज में ही बनने चाहिए, 2 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये बाबत का भी आप खास ख्याल रखिएगा। अगर आपने ये एक चैप्टर इज इक्वल टू 2 पेज मटेरियल बनाना सीख लिया तो आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तैयारी करते समय। उसके बाद जो भी आपने मटेरियल ये शॉर्टकट बनाया है उसको रिवाइज करिए डे एंड नाइट, यानी कि आपने जो भी मटेरियल आपने बनाया या आपने जो भी पढ़ा है पूरे दिन में, या आपने जो भी सीखा, आपने जो भी एग्जाम्पल्स गिने, उन सबको आप रिवाइज करिए डे एंड नाइट। और वो कैसे रिवाइज करना है वो भी आप देखिए कि जब भी आप फ्री हो, आप जब भी पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, आप फ्री होकर टाइम पास करते हो, या आप कहीं पर बैठे हो ऐसे ही बस, तो वहीं पर अपना अपने आप से आपको बोलना नहीं है, मुंह से नहीं बोलना है, लेकिन आपको अपने माइंड में रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है, जो भी याद आता है। ऐसा नहीं कि परफेक्टली यही टॉपिक याद करना है, कोई भी चीज जो आपने पढ़ी है उनमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइंस, कोई भी सेंटेंस उसका याद कर लीजिए, कोई भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसे रिवाइज करिए डे एंड नाइट। कहीं पर भी आप हो
आप उसे रिवाइज करते रहिए लगातार, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग थियरीज को रिवाइज करते रहिए अपनी मेमोरी में। सोते हो तो सोने से पहले भी आप थोड़ा सा कोई भी टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, और सोने के थोड़ी समय पहले आप ये वाक्य जरूर बोलना कि यस आई विल डू इट इन एनी कंडीशन, आई वॉन्ट इट। इस वाक्य का असर आपको रोज होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपके अंदर का जो डर है एग्जाम का वो पूरा बाहर निकल जाएगा, पूरा। आपके अंदर कोई डर रहेगा ही नहीं एग्जाम का। और जब एग्जाम का डर नहीं होता तो वो जो स्टूडेंट है वो अपना 100% परफॉर्मेंस देता है एग्जाम में, और वो जितने भी उसने मार्क्स सोचे होते हैं वो ला के ही रहता है। उसके बाद जो दूसरा अपना इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, एमसीक्यू की बात है, एमसीक्यूएस में आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो उसको सॉल्व करने से ज़्यादा अभी के टाइम में, एग्जाम्स के टाइम में, आप उसको सॉल्यूशंस के साथ ही पढ़ें। उसका जो आंसर है उसे मार्क कर दीजिए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसके आंसर के साथ ही उसका क्वेश्चन पढ़े तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसी बुक में से पढ़ रहे हो कि जिसमें एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके नीचे चार ऑप्शन दिए होते हैं, अगर ऐसी बुक का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ होगी, क्योंकि अगर आपके पास वो चार ऑप्शन हो गए तो आपकी मेमोरी में जो गलत ऑप्शन है वो भी रह सकते हैं। मतलब कि आपको क्या करना है कि जो चार ऑप्शन है उसे या तो अपनी बुक में से निकाल दो जो गलत आंसर है, और केवल वही आंसर वहां पर होना चाहिए जो आपको परफेक्टली दिखना चाहिए। जो सच्चा जवाब है ना, उसका राइट आंसर है, वही आपको वहां पर दिखना चाहिए क्वेश्चन के नीचे, और कोई ऑप्शन दिखना नहीं चाहिए। एग्जाम्स के टाइम में अगर आपने उन गलत आंसरों को भी देखना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे वही आंसर आपके मगज में बार बार आएंगे। और ये भी हो सकता है कि जब भी आप एग्जाम्स देने बैठे हो और क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन जब दिए होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये तो मैंने देखा था ऑप्शन, ये वही हो सकता है, लेकिन आपने जो ऑप्शन देखा था वो ऑप्शन है जो राइट आंसर नहीं था, शायद वो गलत आंसर हो सकता है। तो इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स गलत आंसर दे देते हैं। एमसीक्यूएस जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो एमसीक्यूएस के नीचे उसका राइट आंसर ही रखे, और कोई आंसर ना रखे, और इस तरह से ही पढ़ाई करें। अगर आप किसी एग्जाम्पल की कैलकुलेशन कर रहे होते, अगर कोई एग्जाम्पल एक ही तरह का हो तो उसको एक ही बार गिनिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरह के 100 एग्जाम्पल्स सीखिए, एक ही तरह के 100 एग्जाम्पल्स मत सीखिए, इससे आपका समय ज़्यादा बिगड़े। अलग अलग तरह के 100 एग्जाम्पल्स सीखना शुरू कीजिए। एग्जाम्स के दिनों में आप जंक फूड और बाहर का खाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी। अपना घर का बना हुआ खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत या आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा भी यहाँ पर बिगड़ता है या आप गंभीर रूप से बीमार पड़ते हो तो इसका इफेक्ट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आ सकता है। तो आप सोचिए कि इस तरह के रूटीन में अगर आपका 4-5 दिन बिगड़ गया तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तुरंत डाउन हो जाएगा, और इससे आपका जो स्कोर है वो जितना आपने सोचा होगा उतना आप नहीं ला पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपके शरीर को फिट रखिए, हेल्दी रखिए, हेल्दी खाना खा के, घर का खाना खा के, पानी पीना ज़्यादा रखे, जितना एक व्यक्ति को ज़रूरी होता है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी पीना आप स्टार्ट कर दीजिए। और दिन में 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट सुबह के टाइम आप योगा कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा, आपके दिमाग के अंदर जो कोई भी स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा, जो कोई भी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, आपका दिमाग एक तरह से शांत हो जाएगा, और आप धीरे धीरे अपना जो अंदर का जो पावर है, मानसिक पावर है, वो बनाने लगे, ठीक है। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है कैचअप करने की वो बढ़ जाएगी, और इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, और आप जो भी पढ़ेंगे वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और जल्दी याद रहेगा, ठीक है। और इसको सिर्फ 20 मिनट ही करना है रोज।
पूरी नींद लीजिए, 8 घंटे पूरी नींद लीजिए। दोस्तों आपने ये देखा ही होगा कि जब भी आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल यूज करके आप क्या करते हो, अपनी बैटरी खत्म करते हो। बैटरी जब खत्म हो जाए तो आप क्या करते हो, बैटरी को चार्ज करते हो। आपका जो शरीर है वो मोबाइल ही है, ऐसा समझ लो आप। अगर आप उसको यूज करते ही रहे तो चार्जिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो अपना मगज का चार्जिंग होता है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे होगे वो आप आपको लगेगा कि मुझे याद रहता है, लेकिन रियल में वो याद नहीं रहता, वो आप भूल चुके होगे थोड़े टाइम, ठीक है, क्योंकि माइंड जो होता है उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं। इसीलिए प्रॉपर आप 8 घंटे पूरी नींद लीजिए, ये जरूरी है आपके शरीर को और आपके माइंड को रिचार्ज करने के लिए। और आपको ये लगता है कि सर मैं तो दोपहर को 4 घंटे सोता हूँ और रात को 4 घंटे सोता हूँ तो टोटल 8 घंटे होगा ही, ये चलेगा? तो नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। मैंने प्रॉपर 8 घंटे नींद एक ही समय पर पूरी करने को कहा है। जो पांचवा अपना रूल्स है वो ये है कि कॉन्फिडेंस बनाने के लिए दिन में सिर्फ एक वाक्य अपने आप को आईने में देख के बोलिए। आप जब भी उठते हो, उठ के सीधा आईने के सामने जाइए, अपना चेहरा उसमें देखिए और ये वाक्य बोलिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यस आई विल डू इट इन एनी कंडीशन, आई वॉन्ट इट। इस वाक्य का अर्थ क्या है वो भी आप समझिए। हाँ मैं करके दिखाऊंगा, हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा, हाँ मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? टाइटल चाहिए। कैसा टाइटल? टॉपर का टाइटल। कैसा टाइटल? टॉपर का टाइटल चाहिए। और अगर मान लीजिए कि टॉपर का टाइटल नहीं चाहिए तो कैसा टाइटल चाहिए? आपके परसेंटेज ज़्यादा आए उसका टाइटल चाहिए। और मान लीजिए कि आपके परसेंटेज ज़्यादा नहीं आए तो कैसा टाइटल चाहिए? पास होने का टाइटल तो चाहिए ही चाहिए। तो आप ये बोलते रहेंगे हर रोज, जब भी आपको लगे कि नहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, तो आप ये वाक्य किसी भी टाइम बोल सकते हैं, किसी भी टाइम। रात को सोने से पहले तो बोलना ही पड़ेगा, सुबह में भी बोलना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी टाइम ये वाक्य याद कर सकते हैं। और इसको लगातार याद करने से, इस वाक्य को याद करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ जाएगा और आपकी तैयारी करने का जो पावर है वो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ मोटिवेशनल शॉर्ट्स वीडियो की लिंक्स दी है, उसे जाके देखिएगा, इससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। छठा रूल्स, वो आप बिल्कुल भी नहीं करना, डोंट सॉल्व पेपर आफ्टर एग्जाम। आपका जिस भी दिन जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो, पेपर खत्म हो गया, उसके बाद जब एग्जाम सेंटर होता है वहां से बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ जब मिलते हैं तो पूछते हैं दूसरे से कि भाई कैसा गया एग्जाम, कैसा गया पेपर। एक दोस्त बोलता है कि बहुत बढ़िया गया, ये प्रश्न वो था उसमें ये आंसर था, ये प्रश्न वो था उसमें ये गलत आंसर था, ये सही आंसर था। ऐसे में क्या होता है कि एक लड़के का आंसर सही था और आपका आंसर गलत था, तो इस वजह से कंपैरिजन स्टार्ट होती है। कंपैरिजन स्टार्ट होती है कि उसका आंसर सही है और आपका आंसर गलत है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो घट जाएगा। आपको लगेगा कि आप गलत लिख के आए हो। आप घर पर जाकर तुरंत क्या करोगे, तुरंत गाइड लेके या कुछ भी मटेरियल्स लेके आप आंसर्स को सॉल्व करने बैठ जाओगे, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन गलत निकले और भी कटेंगे मार्क्स थियरी में से, तो आपके जो मार्क्स है वो 60-50 मार्क्स आके रहेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो घट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाएगा। और इससे इसकी असर कहाँ पर दिखेगी? इसकी असर दिखेगी नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट के पेपर में। तो आपको ये कंपेरिजन कभी भी नहीं करनी है। जब भी आप पेपर दे देते हो, पेपर को बैग में डाल दीजिए और तुरंत वहां से निकले, ठीक है। किसी के भी साथ एग्जाम पेपर की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, वो पूछे कि पेपर कैसा गया, आपको एक ही जवाब देना है, बहुत अच्छा गया। और साथ में रूल्स हमेशा याद रखना,
दोस्तों कि एग्जाम जो होती है वो एक टेस्ट ही होती है, ये चेक करने के लिए कि आपने 2 सालों में या 1 साल में क्या सीखा। उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको सीरियसली मत लीजिए। मैं अपने टाइम में किसी भी एग्जाम्स का रिजल्ट सीरियसली नहीं लेता था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मैं केमिस्ट्री में 3 टाइम्स यानी कि 3 बार फेल हुआ था। 3 साल पढ़ाई की है मैंने, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री सिखाता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रगल की है, बहुत सारा हार्डवर्क किया है, तब जाकर मैंने सक्सेस की जो लूप होती है उसको ढूंढा है। यानी ये सक्सेस की लूप होती कैसी है, जरा एक बार गेस करके देखिए। तो लूप इस तरह की होती है कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको सेकंड चांस मिलेगा, अगर आप सेकंड चांस में फेल हुए तो आपको तीसरा चांस मिलेगा, और अगर ये फिर भी फेल हुए तो जब तक आप नहीं जीतते तब तक ये चालू ही रहेगा, इससे हारने की जरूरत नहीं है। 3 ट्राई नहीं, मैं तो कहता हूँ आप पहले ही ट्रायल में निकल जाओ, लेकिन जिसके भी साथ ऐसा होता है कि एक ट्रायल में नहीं निकलते तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं एक ट्रायल में मैं नहीं निकला, दूसरे तीसरे ट्रायल का प्रयत्न कीजिए, कोशिश करते रहिए, ठीक है, एक ना एक बार जरूर निकल जाओगे। कि सक्सेस जो है एक इल्यूजन, मेन जो पॉइंट है वो यह है कि आप कितनी जोर से उसे हासिल करते, हाउ हार्ड यू हिट, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे। लोग क्या कहते हैं ये मत सुनो, अभी जो लोग आपको सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे उसे मात्र सुन लो, दिमाग पर मत लो। जब तुम सफल होगे वही लोग तुमसे सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। एंड दिस इज द गैप, यही मेन खेल है और इसी में मजा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।